गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा नाइन्थ की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 59। तिथि है आज 23 नवंबर 2020। तो यहाँ वृत्त की ये चौथी वीडियो है, यानी कि सर्कल की ये फोर्थ वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अगर इंग्लिश मीडियम में चाहे तो आप इसके बाद में, यानी कि हम दूसरी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन में भी आप उसको देख सकते हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान, सबसे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए। वृत्तखंड की समझ आपको होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले, यानी कि सर्कल जो आपके पास में है, तो सर्कल के आपके पास में जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद में यानी कि उसके अंदर जो वृत्तखंड होता है उसकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर और क्या दिया गया है। वृत्तखंड यानी कि लाइन, सर्कल में जो सेगमेंट बनता है उसको यानी कि वृत्तखंड कहा जाता है। तो जो पहली वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया गया है आपके लिए, हम यह सीख चुके हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 के एंगल पी ए क्यू। तो यानी कि जो ये एंगल है इसका ये कोण यानी कि हाफ होगा, ये कोण यानी कि इसका हाफ होगा, या ये हम कह सकते हैं कि कोण इसका ये कोण डबल होगा। तो दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि आकृति में हम P और Q को मिलाकर जिव्या PQ बनाते हैं, तो एंगल PAQ को वृत्तखंड PAQ में बना कोण भी कहते हैं। तो अगर हम वृत्त के किसी भाग पर एक बिंदु C से लें, और तो हम पाएंगे कि एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू मीन्स ये एंगल, एंगल टू पी ए पी सी क्यू, टू पी सी क्यू, जैसे इसमें यहाँ पे कह दिया, तो यहाँ पे ये इसके बराबर होगा, जैसे यहाँ पर आपके लिए कहा है। एंगल पी ओ सी ये अगर कहा है तो ये एंगल इसके यानी कि दुगना होगा। क्यों होगा? तथा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल टू पी ए क्यू, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर जब ये दोनों के दोनों इक्वल कहीं हैं, तो 1 और 2 से, तो 2 गुणा के एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 गुणा के पी सी क्यू। जब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इसके इक्वल ये भी है और इसके इक्वल ये भी है, तो दोनों बराबर हुई, इसका मतलब यानी कि दोनों बराबर हैं, तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ पर पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अगर ये दोनों के दोनों एक ही चाप पर बनाए जा रहे हैं। तो एंगल ए बराबर है एंगल सी के। तो हमने पाया जीवा पी क्यू से बने वृत्तखंड पर, यानी कि जीव्या कहें या फिर ये आर कह दें, तो बने वृत्तखंड पर पी क्यू आधार पर वृत्त पर बने दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अतः एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर कहलाते हैं। तो चलिए आगे हम यहाँ पर आपको और बताते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आकृति में जीवा MN जो कि वृत्त का व्यास भी है, वृत्त को 2 बराबर वृत्तखंड में बांट रही है, इन दोनों बराबर वृत्तखंडों को हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम देखेंगे कि एंगल MON, MON मीन्स यानी कि ये एंगल डबल है किसका? इस एंगल का, MAN का, दुगुना है, यानी कि 2 से हमने गुणा कर दिया MAN एंगल को, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है, जो इसकी थ्योरम थी उसमें ये ऑलरेडी बताया गया था।
तो 180 अगर ये है तो ये कितने का होगा, यानी कि 2 गुणा के MAN, MAN यानी कि 90 डिग्री। तो इस प्रकार आप वृत्त का एक और गुण पाएंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है, समकोण होता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि सर्कल के जो सेमी सर्कल होता है उसमें बने कोण क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल कौन होगा। तो आगे यहाँ पर आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आकृति में पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है, जहाँ पी क्यू आर ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ओ पी आर यानी कि आपको ये एंगल 3 फाइंड करना है, इसमें आपको मेंशन कर रखा है एंगल 3। तो ये एंगल पी ओ पी आर यानी कि आपको एंगल 3 फाइंड करना है। तो यहाँ पर हल दिया है पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, यानी कि ये आपको 110 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल पी ओ आर यानी कि एंगल 1, एंगल 1 यानी कि आपको दिया हुआ है ये किसका, यानी कि 110 का डबल होगा, दुगुना होगा। तो यानी कि पी क्यू आर का ये डबल है, तो यानी कि इसको 2 से गुणा कर दिया, तो 2 गुणा के 110 यानी कि 220। तो यानी कि हमारा जो एंगल 1 है वो कितने का आ गया, 220 डिग्री का आ गया। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है, इस थ्योरम के माध्यम से ये क्या हुआ, डबल हो गया। तो यहाँ पर एंगल 2 क्या होगा, तो एंगल 2 कितना होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम होता है 360, यानी कि एंगल 1 जमा के एंगल 2, क्योंकि दोनों की दोनों केंद्र के कोण हैं, दोनों केंद्र कोणों का योग इनका यानी कि सेंटर पर बने कोणों का योग होता है 360। तो एक कोण 1 और कोण 2 दोनों का योग है 360। तो यानी कि एंगल 1 का आया हमारे पास 220, 220 को 360 में से माइनस किया तो 220 को, तो यहाँ पर 140 डिग्री हमारा आ गया। और यहाँ पर अगर आप अब देखते हैं, यहाँ पर छोटी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसमें एंगल 2, 4 और 3 दिए गए हैं, तो यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इसमें यानी कि ओ पी आर जो त्रिभुज बन रही है, ओ पी आर ये वाली जो त्रिभुज बन रही है, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन कोण हैं, तो 2, 3 और 4 तीनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है। यहाँ पर आपको अगर आप देखते हैं तो ओ आर और ओ पी क्या हैं, त्रिज्या हैं, तो दोनों की दोनों कोण ये क्या होंगे, जब त्रिज्या बराबर हैं तो उनके जो सामने के कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण 3, कोण 4 के बराबर होगा। तो ओ पी ओ आर के बराबर ये क्या है, रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। तो यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 प्लस में एंगल 3 यानी कि एंगल 4 की जगह 3 हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल 3 क्योंकि हमें निकालना था तो इसलिए हमने 3 रखा, अगर 4 निकालना होता तो हम 4 रखते। तो इसलिए एंगल 3 और एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास में 140 डिग्री आई है। तो यहाँ पर इसकी जगह 140 हम रख देंगे, तो 180 में से 140 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 40, और फिर 40 का आधा कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में यानी कि 20। तो एंगल 3 आ जाएगा हमारे पास में 20। तो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू यानी कि 20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री हमारा हो गया। तो आगे आपसे अभ्यास के 2 प्रश्न कहे हैं, तो दोनों प्रश्नों को हम आगे सॉल्व करके बताते हैं कि दोनों प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट शीट पर हम आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपके लिए लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले एक वृत्त पर ए बी सी डी बिंदु हैं, यानी कि ए बी सी डी ये बिंदु आपको दिए हुए हैं, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यहाँ सेंटर पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि बी ई सी बराबर 130 डिग्री, यहाँ पर ये 130 डिग्री बन जाता है, और ई सी डी ये एंगल आपका 20 डिग्री बन जाता है। तो एंगल बी ए सी आपको फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है कि ये कितने का होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, इन फिगर ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई सच दैट एंगल बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20, फाइंड द बी ए सी। तो बी ए सी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए हम आपको यहाँ पर आपको बताते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सामने यहाँ जो हमारी आकृति दी हुई है उसी के अनुसार अब हम आपको बताते हैं, जो चीज़ हमें दी हुई है ऑलरेडी वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है गिवन, तो हम इसको हिंदी में दिया है लिख सकते हैं। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 130, एंगल ई सी डी 20 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि हमारे लिए 20 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो चीज़ हमने लिखी एंगल पी ए सी हमें फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं, यहाँ पर ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज के अंदर, तो इन ट्राइंगल डी ई सी के अंदर हम ले रहे हैं। तो पी ई सी इज एक्सटीरियर एंगल, बी सी जो है ये वाला एंगल जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसको हिंदी में कहा जाता है बी सी एक बाह्य कोण है, यानी कि बाहर का कोण है। तो इसकी एक यानी कि धारणा है कि आपको बताया गया है कि जो हमारे लिए त्रिभुज दी गई है उसके बाह्य कोण जो होगा वो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो यानी कि ये कोण जो बी सी होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा, तो यानी कि इन दोनों का योग। तो यहाँ पर बी ई एंगल बी सी बराबर है एंगल डी सी ई, डी सी मीन्स ये, और प्लस में एंगल ई डी सी मीन्स ये वाला एंगल, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो 130 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल बी सी यानी कि 130 डिग्री दिया हुआ है, डी सी ही आपको 20 दिया हुआ है। एंगल यहाँ पर ये जो डी है ये आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर डी हम फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ई सी डी, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है इसमें, यहाँ पर गलती से ये लिखा हुआ है। तो आगे हम इसको यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर एंगल बी सी इक्वल टू एंगल ई सी डी प्लस में एंगल ई डी सी, 130 डिग्री बराबर 20 हो गया, और ये ई डी सी हमारा हमें फाइंड करना है। तो ये हम सेमेजिटिस ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 130 डिग्री है, और यहाँ पर 130 में से 20 को माइनस करेंगे तो एंगल ई डी सी हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। नाउ अब यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल बी डी सी बराबर है एंगल ई डी सी के, और एंगल बी डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के। तो एक जीवा पर एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इंग्लिश में कहा है एंगल सबस्टेंड बाई सेम कॉर्ड इज सेम सेगमेंट इज इक्वल, तो ये इक्वल होते हैं। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा भी देते हैं फिगर में दोबारा से कि ये एंगल दोनों की दोनों क्या होंगे। जैसे कि हमने अभी पीछे ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में किया है कि ये हमारी सेम कॉर्ड है, इस सेम कॉर्ड यानी कि एक जीवा है, और उस जीवा पर एक तरफ बनने वाले दोनों की दोनों जो कोण होंगे वो समान होंगे। तो यानी कि इस पर एक कोण ये बन रहा है और इस पर एक कोण ये बन रहा है, तो ये कोण दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री ही होगा, अगर ये 50 आएगा तो ये भी 50 आएगा, अगर ये 60 आएगा तो ये भी 60 आएगा। तो ये यानी कि आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आकृति में केंद्र ओ वाले वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार दिए गए हैं कि एंगल बी ओ सी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री और ये एंगल ए ओ बी 50 डिग्री। यदि चाप ए बी सी जो चाप है ये आपकी, ये अतिरिक्त वृत्त पर डी बिंदु यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु डी लिया, तो एंगल ए डी सी ज्ञात कीजिए। तो हमें एंगल ए डी सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में, इन फिगर ए बी सी डी आर द थ्री पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50 डिग्री इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी फाइंड एंगल ए डी सी। तो हमें ये दिया हुआ है, ये एंगल हमें फाइंड करना है कि ये एंगल कितने का होगा। तो चलिए अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है गिवन, यानी कि दिया हुआ है जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो सबसे पहले हमने लिख ली, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसके बाद में जब ये दोनों दिए हुए हैं तो अब हियर यानी कि जो पूरा एंगल बन रहा है एंगल ए ओ सी, उन दोनों का योग कितना हो गया, यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी, दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो अब ए बी सी चाप द्वारा 80 का कोण बनाती है वृत्त के केंद्र पर, यानी कि जो सेंटर है उस पर 80 का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो यानी कि ये दोनों के दोनों का योग कितना हो गया, एक यहाँ पर 80 डिग्री का हो गया। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं आगे, आगे आप क्या कह सकते हैं, सिंस आर्क ए बी सी मैक्स एन एंगल 80 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर आप अवधारणा आपको पता है कि एक ही चाप द्वारा बने वृत्त के केंद्र पर बने कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। तो यानी कि सिंस द एंगल सब्सटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अब यहाँ पर जो आपको एंगल दिया हुआ है तो एंगल ए डी सी जो क्या होगा उसका, यानी सेंटर पे एंगल जो ए ओ सी दिया हुआ है उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो यानी कि 1/2 × 80, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू 40 डिग्री आ गया, यानी कि हमने 80 को 2 से भाग कर दिया। तो हैंस एंगल ए डी सी इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक, आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।